नमस्कार दोस्तों, आरएस ज्वेलरी आगरा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप तो लोगों का। तो दोस्तों, कुछ रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपनी पेट्रोमैक्स इलेक्ट्रॉनिक्स गन की। कैसे काम करती है, प्रॉपर क्या काम करती है, कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये पेट्रोमैक्स गन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गैस से चलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरे पास प्लास्टिक मॉडल में। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक तो आता है वुड में और एक आता है प्लास्टिक में। इसे बोलते हैं बॉक्स डबल गन इलेक्ट्रॉनिक्स गन मशीन। ठीक है, तो मैं ये इस समय यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है और लगभग 5 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई फॉल्ट इसके अंदर नहीं आया है। चलिए, ठीक है ना। तो ऐसा यूज़ कैसे करते हैं, इसका क्या काम है, ये सारे बटनसों का क्या काम है, कौन सा बटन किसके लिए काम होता है। और ये है दूसरी हमारी गन, ये दो गन आती है इसके साथ में। ये है पाइप, पाइप का अपना स्पेस के हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मगर एक गन चलाएंगे तो एक गन को बंद करके रखना होगा, दोनों गन एक साथ में नहीं चलाना। चला अगर कारीगर है आपके पास दो दूसरा यूज़ करने वाला तो चला सकता है, अदरवाइज इसको चला करके आप ऑन करके नहीं देख सकते। तो इसके लिए यहाँ से दोनों बटन को टाइट करके बंद करके रखना होता है। ठीक है, इतना ही आप समझ के। फिलहाल मैं सिंगल ही काम करता हूँ, तो मैं ये वाली गन यूज़ करता हूँ, ये इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये दोनों बटन करके बंद मैं रख देता हूँ इसको। अब आते हैं इसके नॉब और बटन के तरफ, कैसे क्या काम आता है बटन। फर्स्ट बटन आता है अपना ऑन एंड ऑफ, देखिए। ठीक है, अभी चालू कैसे होता है, ये गैस का ऑन ऑफ है, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ है, देखिएगा, आवाज सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाला ऑन ऑफ है। इसे बंद करेंगे तो ये ऑफ हो गया, यहां से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब काम करेंगे तो केवल इसको यहाँ सेट किया है वहीं छोड़ देंगे इसको। तो जब अपना कौन सा काम कर रहे हैं, गलाने का काम कर रहे हैं, शोल्डिंग का काम कर रहे हैं, उसके अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है स्पीड को। ठीक है, ये ईयर का है, ईयर पास करने में कितनी आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, इससे आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये आया गैस का, गैस के दो बटन है इसके अंदर, एक बटन ये है, ये मेन बटन है गैस का, और ये दोनों गन को हैंडल करता है, ये दोनों गन को हैंडल करता है। यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे गैस की, जैसे मान के चलिए मैंने ये सिलेंडर से इसको अटैच कर रखा है, ये इसमें गया पाइप गैस का, इसमें होकर के इसमें जाएगा। अब अगर हम इसको बंद रखेंगे तो आगे बिल्कुल सप्लाई नहीं देगा। तो सबसे पहले गन स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा सा बटन ये खोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला बटन हल्का सा खोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ऑन करना पड़ता है ये वाला बटन, हल्की सी एयर का रेस देना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ से दोनों वॉल्यूम खुले हुए हैं, दोनों वॉल्यूम को खोल दीजिएगा और इसमें आग लगाइएगा, ये चालू हो गई। अब हमें कम कैसे करना है स्पीड को, तो देखिएगा ये वाला जो बटन है दोनों गन का, इसको हम यहाँ से सेट करेंगे, देखो कम हो गया। अब जितना हमें अपना प्रॉपर गैस का स्पीड चाहिए वो इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से इतना हमें चाहिए, ये दोनों खोल के रखिएगा तो स्पीड आपको मालूम पड़ जाएगी, बाकी मैं इसका क्या यूज़ है वो समझा रहा हूँ आपको। अब ऐसे हम आग से काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए स्पीड चाहिए। तो ये गैस का है, ये हमारा है एयर का, तो हमें गैस रोकनी है, ये गैस अभी पूरी पास हो रही है, बह रही है बिना कोई सपोर्ट के, तो हम हल्का सा गैस को रोकेंगे और ये हमारा प्रेशर है, तो प्रेशर को हल्का सा खोलेंगे ना तो आवाज करने लगेगा, देखो ये। ठीक है, और ये वाला जो बटन आया, और इससे भी ज्यादा हमें अब एयर का एयर की जरूरत है, तो यहां से बटन को खोलेंगे, हल्का सा गैस खोलेंगे तो ये फ्लो इसका बढ़ा देगी, देखिए। इससे हम गलाई का काम कर सकते हैं, तपाई का काम कर सकते हैं,
अब इसी को हम हल्का सा नीचे से रेस कम करेंगे और ये सोल्डिंग के मतलब का गन हो गया। देखिएगा हल्का सा यहाँ से नोजल और कम करेंगे, हल्का सा गैस कम करेंगे, हल्का सा एयर कम करेंगे, हल्का सा गैस का और नोब कम करेंगे, एयर का कम करेंगे और ये आ गया हमारा सोल्डिंग का। देखिएगा कितनी पतली लौ निकलना स्टार्ट हो गई है। इससे कोई भी आइटम प्लास्टर का हो या सादा कुंडे वगैरह झालने हो, सारा काम इससे इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है ना, ये यहाँ तक का हो गया। अब हम इसको बंद करके कैसे रखेंगे, यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना है हमको, हमारा जैसा सेट है वैसे ही रहने देना, यहाँ से कोई नोब नहीं छेड़नी है, केवल हमें यहाँ से करना है बंद। देखिए सबसे पहले ये ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बंद कीजिए, फिर मेन गैस का बटन बंद कर दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिएगा, आगे ऐसे आप कमेंट करेंगे तो मैं सारी वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ। ओके नमस्ते, थैंक यू।